हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज के क्लास हम लोग सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं कि टैली में परचेज वाउचर का एंट्री कैसे पास की जाती है और इसके लिए क्या स्टेप है और कैसे करेंगे इसको। तो देखिए, हमारे सामने एक क्वेश्चन, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। बताया जा रहा है जो 2 अप्रैल 2021 हाई पीस इंटेक्स जुम्बो कीबोर्ड परचेज फ्रॉम इंटेक्स टेक्नोलॉजी से। हाई पीसेस हम लोग इंटेक्स कीबोर्ड खरीद रहे हैं इंटेक्ट टेक्नोलॉजी से। एक पीस का जो रेट है वह है 230 रुपया। जो हमारे सप्लायर के द्वारा इनवाइस नंबर जनरेट किया गया वह किया गया टैक्स 0005, और गुड्स को जो स्टोर किया जा रहा वह किया जा रहा है 100 रुपये। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम टैली में आ जाएंगे, और टैली में आने के बाद से हम वाउचर में आएंगे, और परचेज वाउचर में काम करना तो इसके लिए दबाएंगे अपनाइन। अब जैसे ही अपनाइन बटन दबाएंगे तो सबसे पहले पूछ रहा है सप्लायर इनवाइस नंबर। तो इस क्वेश्चन में सप्लायर इनवाइस नंबर क्या है? टैक्स 005। हम लिखेंगे टैक्स 005, इंटर, वह डेट सेलेक्ट करेंगे। तो हमने यहाँ पे डेट सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान रहे, आओगे तो करोगे क्या? आ जाओगे वाउचर में। वाउचर माने बस से क्या करोगे? सप्लायर इनवाइस नंबर। तो लिखेंगे टैक्स टैक्स 005, 05 है, 005। चलिए, काहे जब बिल में लिखा काहे जरूरी है, जरूरी बिल नंबर दिया काहे लिए। चलिए, उसके बाद से पूछ रहा डेट। तो डेट हमने मेंशन कर दिया पार्टी ने, तो किससे हम माल खरीद रहे हैं? नगद या किसी अदर सप्लायर से, ठीक है। तो कैश है तो कैश ले लेंगे, और उधार है तो किस पार्टी से ले रहे हैं वह लिख देंगे। किससे ले रहे हैं? इंटेक्स टेक्नोलॉजी। आप लोग का पहले से बना है, नहीं बना हो तो अल्ट सी करके बना लीजिएगा। अब इंटर दबा देंगे, फिर से इंटर एक्सेप्ट, यहां से इंटर दबाते जाएंगे। अब पूछेगा पर्चे लेजर, तो देख लेंगे इंटेक्स टेक्नोलॉजी कहाँ का है, हमारे यहाँ का है या अदर स्टेट का है। अगर हमारे यहाँ का है तो पर्चेज लोकल लगेगा, अदर स्टेट का होगा तो पर्चेज इंटर स्टेट लगेगा। तो क्या लेंगे यहाँ पे? पर्चेज लोकल, इंटर दबाएंगे। अब पूछ रहा नेम ऑफ आइटम, तो क्या खरीद रहे हैं हम? इंटेक्स जुम्बो कीबोर्ड, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग? तो लिखेंगे IN, तो हमारा पहले से बना है, आप लोगों को पहले से बना है। इंटर दबा देंगे, इंटर दबा देंगे। अब एक बात और, यहाँ पे जो बताया जा रहा लोकेशन कहाँ पे रखा जा रहा है? शॉप में। हमारा लोकेशन यहाँ पे देखो, जब यहाँ कितना पीस है? 5। इंटर दबाएंगे तो लोकेशन नहीं पूछ रहा है। क्यों नहीं पूछ रहा है? रीजन क्या है? ध्यान देना, लोकेशन हमने क्रिएट जब नहीं करेंगे ना तो लोकेशन यहाँ पे दिखेगा नहीं। तो आप लोकेशन कैसे क्रिएट करोगे? मैंने बताया था आपको कि जाके हम लोकेशन क्रिएट कर सकते हैं। अब कैसे करना है? बहुत सिंपल है, आप जाइए इन्वेंट्री मास्टर में, वहां पे लोकेशन 2 चार्ट हो क्रिएट कर लीजिएगा, जिससे वो आने लगेगा आसानी तरीके से। तो चलिए अभी आते हैं और इंटर बटन दबाते हैं, और यहाँ पे क्वांटिटी 5 है, रेट क्या है? 230। अब 1150 आ गया, क्या कौन सा वैल्यू है? टैक्सेबल वैल्यू। इंटर दबाएंगे और लिखेंगे सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स। 1357 रुपये आ गया, समझे? ये इसका सोल्यूशन है, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप ने बता दिया। और बैक आ जाओ, इन्वेंटरी में आ जाओ, कहाँ पे? क्रिएट में। उसके बाद से लोकेशन में, लोकेशन में आके 2 चार्ट लोकेशन भी क्रिएट कर सकते हो, क्रिएट, ठीक है। तो हमने लिख दिया यहाँ पे शॉप। उसके बाद वेयर हाउस, उसके बाद पढ़ रहा हूँ ना, रामकोला बना दिया, जब जरूर पड़ेगा इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है। चलिए, अगला क्लियर बाबू? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन सेम वैसा है, थोड़ा समझ लीजिए। फिर से देखो, बताया जा रहा है कि एज ऑन 2 अप्रैल 2021 10 पीसेस, इस बार 10 पीस खरीदा जा रहा है। क्या? लेनोवो 100 वायरलेस कम्बो। क्या है? ये भी एक प्रकार का कीबोर्ड ही है,
लेनवो कंपनी का देख लो आप लोग, ठीक है, पहले बनाए हो आप लोग, परचेज किया जा रहा किससे? लेनवो एलटीडी से। कहाँ के हैं? ट्रांसपोर्ट नगर लखनऊ, दिया है इनका डिटेल। और यह आप लोग नहीं बनाया होगी, बनाया हो तो बहुत अच्छा, नहीं बनाया तो बना लेना। और इनका जीएसटी नंबर भी दिया है। एक का रेट क्या है? 1050 इच बाई इनवाइस नंबर, टैक्स 098। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि 6 पीसेस स्टोर किया जा रहा है शॉप में, और एंड 4 पीस स्टोर किया जा रहा है वेयर हाउस में। मतलब 10 पीस खरीद रहे हैं, 10 पीस में 6 पीस कहाँ जा रहा है? शॉप में हम धर रख दे रहे हैं, और 4 पीस हम कहाँ भिजवा दे रहे हैं? वेयर हाउस में। तो यह क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे ये समझिए। तो आते हैं डायरेक्ट, हम बताते हैं कैसे बनेगा। तो आते हैं और यहाँ पे टैली में वाउचर पर्चे वाउचर ओपन कर लेंगे। इनवाइस नंबर, इनवाइस नंबर क्या है पूरा बोलो साफ साफ जी। यहाँ पे दिया गया है, क्या दिया गया है जी? यहाँ पे टाइप करेंगे टैक्स 098, डेट ले लेंगे पार्टी नेम। तो पार्टी नेम में तो दो ही दिख रहा है, कैश और इंटेक्स टेक्नोलॉजी। आप लोग बनाए होगे, नहीं बनाए होगे तो नहीं बनाए होगे तुम भी लोग अल्ट सी दबाएंगे, और लेनबो एलटीडी इंटर। क्या है हमारे सप्लायर है, इसलिए संडे क्रिएटर। हाँ तो अच्छा है, सीख लोगो क्रिएटर रख देंगे। एड्रेस क्या है? एड्रेस दिया है यहाँ पे ट्रांसपोर्ट नगर लखनऊ। उसके बाद यूपी हो गया, कुछ करना नहीं है। रेगुलर जीएसटी नंबर दिया है, जीएसटी नंबर भी डाल देंगे। पेस्ट इंटर और एक्सेप्ट, ठीक है बाबू। अब उसके बाद से पूछ रहा लोकल या इंटरस्टेट, लोकल ही है, लोकल ले लेंगे। नेम ऑफ आइटम क्या खरीद रहे हैं हम लोग? लेनबो अल्ट सी करेंगे, और आप लोग बनाए होगे मुझे बनाना पड़ेगा डायरेक्ट। लेनबो 100 वायरलेस कम्बो, ये भी एक प्रकार का कीबोर्ड ही है। पेश कर दिया, क्या है ग्रुप, क्या है इसका कीबोर्ड, कीबोर्ड ले लिया। किस कंपनी का है? लेनबो। तो चलो लेनबो हम कंपनी का कैटेगरी बना लेते हैं। करा है यूनिट क्या है? पीसेस। नॉट एप्लीकेबल, एप्लीकेबल गुड्स रहेगा। इंटर। देखो अब लोकेशन पूछ रहा है, अभी नहीं पूछ रहा था। क्यों नहीं पूछ रहा था? क्योंकि लोकेशन क्रिएट नहीं किए थे। अब स्पेस दबाएंगे, अब यहीं पे देखो सब आ गया। मेन लोकेशन पर रौना रामकोला शॉप वेयर हाउस। तो कहाँ रखना है? शॉप में। कितना पीस? 6 पीस। और रेट क्या है? 1050। इंटर। इंटर दबाएंगे, फिर से स्पेस दबाएंगे। अब कितना रखना है? वेयर हाउस में। कितना पीस? 4 पीस आ गया। चलो टोटल अमाउंट आ गया 10,500। कितना आ गया? 10,500। मतलब टोटल हमने कीबोर्ड खरीदा है वो कितने का खरीदा है जी। अब उसके बाद से आप इंटर दबाओगे, इंटर दबाओगे टैक्स लगाओगे, क्या? सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स। तो आ गया 12,390। कितना है? 12,390। क्लियर है सबको? यहाँ जो किसको सॉल्व करके बताया भी गया और आंसर भी बता दिया, कितना आएगा? 12,390। बोलिए यहाँ तक कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत? चलिए तो ये हम लोग जो सीखे थे, कौन सा सीखे थे? ये अभी तक सीखे थे इंट्रा स्टेट वाला, इंट्रा स्टेट मतलब लोकल ट्रांजेक्शन, CGST और SGST। उसके बाद जो आगे का टॉपिक हुआ क्या है? इंटर स्टेट। क्या है? इंटर स्टेट, ठीक है आपको? तो इंटर स्टेट सप्लाई हम लोग जानेंगे। अब बताओ इंटर स्टेट सप्लाई में क्या आएगा? IGST आएगा। टैक्स में क्या आएगा? IGST। और जिससे माल खरीदेंगे वो अपने स्टेट का होगा, अलग स्टेट का, अलग स्टेट का, समझ रहा ना आपको? तो क्या करना पड़ेगा? IGST का लेजर बनाना पड़ेगा, तभी तो कर पाओगे। तो चलिए ये दोनों आप लोग कर लीजिएगा पहले, और उसके बाद से क्वेश्चन बता दें। चलिए ठीक है।
लिखा है परचेज इंटर स्टेट, और लिखा गया इंटर स्टेट इनवर्ड सप्लाई, और इसके बारे में थ्योरी हमने पढ़ाया था कि जब हम अपने स्टेट से बाहर के किसी सप्लायर से गुड्स या सर्विस परचेज करते हैं तो ऐसे ट्रांजेक्शन को क्या बोलते हैं, परचेज इंटर स्टेट कहलाएगा। और ऐसे ट्रांजेक्शन की एंट्री करते समय IGST और परचेज इंटर स्टेट का लेजर निम्नलिखित प्रकार से बनाना होता है। तो हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं कैसे बनाना होता है, ठीक है? तो हमको बनाना नहीं सिखाना, हम डायरेक्ट क्वेश्चन बताते हैं और वहीं पे बना देंगे। अब इसी पे क्वेश्चन दे दिया है, क्या दे दिया गया है, एज ऑन 2nd अप्रैल 2021 फॉलोइंग गुड्स परचेज फ्रॉम किसे, SP इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ये कहाँ के हैं, इंटर स्टेट के। अब इनवाइस नंबर दिया गया है GST 009, गुड्स को स्टोर कहाँ पे किया जा रहा है, वेयर हाउस। अब क्या क्या खरीद रहे हैं, तो HP Core i3 लैपटॉप है 5 पीसेस, और एक का रेट कितना है 24,500, तो टोटल देखो 1,22,500 का खरीदे हैं। प्रिंटर खरीदे हैं कितना पीस, 5 पीस, एक का रेट क्या है 8,200, तो टोटल कितने का खरीदा है 41,000। यही हमको सॉल्व करना है। तो पहले तो सारा हमारे पास तो लेजर बना नहीं है, आप लोग का बना होगा HP इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ये महाराष्ट्र के दिल्ली के थे, कहाँ के थे चेक करो, चलिए तो आते हैं डायरेक्ट हम बनाते हैं, इसको पहले सेव करने दो। अब लिखेंगे GST/009 इंटर पार्टी नेम, इंटर लिखेंगे HP इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, संडी क्रिएटर है, एड्रेस दिल्ली लिख देते हैं, स्टेट दिल्ली, बस GST नंबर बता दो उसका, 07 से चालू होगा, 07 है ना, बस इतना रहने दो, लोकल या इंटर स्टेट क्यों, क्योंकि हमारे स्टेट के नहीं है, इसीलिए अल्ट सी और लिखेंगे परचेज इंटर स्टेट, क्या रहेगा अंडर ग्रुप परचेज अकाउंट, नॉट अप्लीकेबल, नॉट अप्लीकेबल GST अप्लीकेबल, यह पुराने वर्जन में ऐसे आता है, नए वाले में बताए थे, क्या रहेगा यहाँ पे गुड्स इंटर एक्सेप्ट, नेम ऑफ आइटम, आइटम नेम क्या है, लैपटॉप है, देख लो कितना टेक्स है, पहले ये लैपटॉप अल्ट सी करके लैपटॉप बना देंगे, देख लो बाबू थोड़ा कितना है इस पे टैक्स, यस कर देंगे 18 है, HSN कोड 84 7 1, टैक्सेबल कितना परसेंट, बस कैटेगरी क्या है, HP कंपनी का है, HP यूनिट पीसेस, बस नॉट अप्लीकेबल, अप्लीकेबल गुड्स इंटर इंटर एक्सेप्ट, लोकेशन कहां पर रख रहे हैं, वेयर हाउस, कितना क्वांटिटी 5, रेट क्या है 14,000, 24,500 इंटर, 1,22,500 आ गया इंटर एक्सेप्ट, फिर से आ जाएंगे HP कोर i3 है ना, अल्ट थी, और उसके बाद से HP का प्रिंटर है यार, प्रिंटर पे देखो कितना है, अल्ट सी, हाँ प्रिंटर क्या करेंगे यहाँ पे, यस, उसके बाद क्या लिखेंगे प्रिंटर, HSN कोड बता दो, टैक्सेबल ना, कितना परसेंट है, बस किस कंपनी का है, HP का, पीसेस नॉट एप्लीकेबल, कहाँ पर रख रहे हैं, वेयर हाउस में, कितना क्वांटिटी 5, रेट क्या है
81 सौ, बयासी 82 सौ, इंटर 41 हजार आ गया, टोटल वैल्यू आ गया 1,63,500। सौ अब आप बताओ सीजीएसटी लगे कि आईजीएसटी। चलो एक बात और सुन लो, अगर गलती से भी आप सीजीएसटी ले लिए, सेंट्रल टैक्स उठे भी नहीं करेंगे ना, बहुत समझदार है वो। और जैसे आप ले लेंगे क्या आईजीएसटी, बने भी नहीं किया है, अल्ट सी और लिख देते हैं आई जी एस टी। और क्या है ड्यूटी एंड टैक्सेस, क्या है जीएसटी, कौन सा इंटीग्रेटेड टैक्स, उठा लिया। टैक्स केवल टैक्स कितना लग गया, 29,430 रुपया। बताओ अगर 2 लाख का सामान खरीदोगे तो समझा 40,000 खाली टैक्स देना होगा। अब इंटर दबाएंगे, टोटल वैल्यू कितना पे करना है इनको, 1,92,930 रुपया। क्लियर है, हम 3 क्वेश्चन पढ़ा दिए। देखो हम 1 घंटा में इतना ही पढ़ाए होते और 20 मिनट में इतना ही पढ़ाए होते, लेकिन यही थोड़ा फास्ट पढ़ाए, लेकिन तो मैं आया ना, सब नया पना के हम दिखाए आपको। आ ऊपर सुट गया का, नया पढ़ाए ऊपर सुट गया जी, मारे सही हो जाओगे। कुछ नया बनाना बताया क्या, कुछ नहीं, बस यही मेरा बना नहीं था, सब बनाया हूँ, तो आपको टेंशन हो गया कितना कहाँ कहाँ जा रहा है, और तुमको पहले से बस सेलेक्ट कर लेगा। इसमें क्या हुआ था सबूत आओ दिखाई, आओ लाने का चंदन।